स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। और आज हम देखने वाले हैं नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। तो पहली जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो है ज़ेब्रा की ओर से, और जो आपकी लोकेशन होने वाली है वो होने वाली है पुणे। और यहाँ पे जो आपको डेजिग्नेशन मिलने वाला है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 की। और बात करें कि आपका रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकते हैं, तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा, और कोड लिखने के लिए आपको एक लैंग्वेज आनी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जो डिमांड की गई है वो जावा एंड कॉटलिन की, आपको यहाँ पे मैंडेटरी स्किल मांगी गई है। और इसी के साथ ही आपको डॉक्यूमेंटेशन बनाना आना चाहिए, कैसे हम ट्रबल शूट करते हैं, कहीं पे भी एरर आता है, बग फिक्सिंग आपको ये आनी चाहिए। और जो हम कोड लिखते हैं उसको क्लीन एंड क्लियर कैसे लिखते हैं वो आपको यहाँ पे आना चाहिए। और इसी के साथ ही ये एंड्रॉयड रिलेटेड यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो एंड टू एंड एंड्रॉयड कि जो जितने भी एप्लीकेशन होते हैं उसका डिप्लॉयमेंट और डेवलपमेंट आपको यहाँ पे आना चाहिए। और बात करें यहाँ पे आपको टेक्निकल सॉल्यूशन टू बिल्ड एंटरप्राइजेस लेवल मोबाइल एप्लीकेशन, और डिज़ाइन बिल्ड एंड मेंटेन हाई परफॉर्मेंस रीयूजेबल एंड रिलायबल जावा एंड कॉटलिन कोड, तो ये आपको यहाँ पे आना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा ताकि आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल है तो ज़रूर इसको फिल कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी की ओर, जो है कारगिल की ओर से। और यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी होने वाली है वो होने वाले ERP एसोसिएट इंजीनियर की होने वाली है। यहाँ जो आपका लोकेशन होने वाला है वो होने वाला है बैंगलोर, और जो जॉब स्टेटस है वो आपका यहाँ पे फुल टाइम होने वाला है। और बात करें कि आपकी यहाँ पे रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या आएगी, एक्सपीरियंस इन ERP बेसिक्स राइट, और कोड डेवलपमेंट आपको आना चाहिए पाइथन के अंदर, HTML5 के अंदर, और जो भी बेसिक चीज़ें होती है जैसे कि फ्रंट एंड के लिए HTML CSS जावा स्क्रिप्ट। और बात करें कोड डेवलपमेंट के लिए बैक एंड एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए जैसे कि हुआ जावा हुआ, और जैसे बात करें हम हमारे पास पाइथन, तो ये आपको यहाँ आना चाहिए। और इसी के साथ ही आपको डेवलप टेस्ट इंटीग्रेट मेंटेन और ट्रबल शूट एंड डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, तो ये पूरा का पूरा आपका SDLC जो है ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और इसी के साथ ही अगर बात करें कि आपको पार्टनर करना पड़ेगा दूसरी टीम्स के साथ, दूसरी टीम के साथ हम कैसे वर्क करते हैं वो आपको यहाँ पे आना चाहिए, कोड को रिव्यू करना और उसके साथ इसको कैसे डिप्लॉय करना वो आपको यहाँ पे आना चाहिए। और बात करें यहाँ पे क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन जो यहाँ मांगी गई है वो है बैचलर डिग्री इन रिलेटेड फील्ड और इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस। तो अगर आप कोई भी बैचलर डिग्री है आपके पास तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और बात करें प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ ERP बेसिस, कोड डेवलपमेंट आपको आना चाहिए और डिज़ाइन थिंकिंग आपको आनी चाहिए। इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा ताकि आप जाइए और एक बार गो थ्रू कीजिए, और अगर आपको लगता है आप एलिजिबल है तो ज़रूर इसको फिल कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।